चलिए अभी मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ। सभी बच्चों एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों का आवाज़ और विजुअल क्लियर है? ओके ओके। तो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था ए इनवर्स कैलकुलेट करने का। देखिए अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं, बीच में पता नहीं क्या दिक्कत है कि कल हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा रो ऑपरेशन मेथड। हाँ, रो आइदर कॉलम ऑपरेशन। इस मेथड से हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और वो थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है। मतलब हालांकि आप देखिए जितने भी न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं सब एक दूसरे से अलग ही अलग न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी सिमिलर नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन हम अभी अभी भी देखिए, अब मैं इनको अभी भी देखिए एडमिट हो रहे हैं, टाइम से आ जाएं तो क्या दिक्कत हो जाए। चलिए जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भी ए इनवर्स निकालना है, उसमें भी ए इनवर्स निकालना है हमें। और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन का प्रारूप देखें, क्वेश्चन का स्टाइल देखें, उसका नेचर देखें कि वो किस तरह से पूछा गया है और आप फिर कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, एक ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा और एक मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। तो क्वेश्चन में ये है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ये आपको दे रखा है। और इसमें आगे लिखा हुआ है सेटिस्फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a - 5i इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स आपको दी है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, पहले तो आपको ये दिखाना है, शो करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड फाइंड द ए इनवर्स। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? ए इनवर्स। तो अब पहले तो एक देखिए इसमें खास बात क्या है कि इस पूरे में लिखा हुआ है a² - 4a - 5i = 0। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको ए को इसमें रखना है और क्या दिखा देना है, जीरो। एक्चुअली ये जीरो नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स है जो कि रिलेटेड है हमारी नल मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एक सेकंड बच्चों, जरा कोई आया हुआ है लग रहा है। कौन है? यस अगेन,
देखिए, तो ये जो राइट हैंड साइड में जीरो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जीरो नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स है। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं, चाहे आइदर वी ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या आता है, एक मैट्रिक्स। तो इसको आप जीरो ना समझें, ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। तो आपको क्या दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ पूछी गई है कि ए दे रखा है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है, ये शो करना है, और फाइंड ए इनवर्स। अब आप पहला पार्ट आज जरा इन इन बच्चों से बाद में आप सभी लोग कहिए कि टाइम से 10:05 तक जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं। अब आप लोगों की शायद सुने, तो आप इनसे कह दीजिए कि ये 10:05 तक जुड़ जाएं, अदरवाइज़ मैं इसके बाद एंट्री नहीं लूँगा। तो यहाँ पर बात हो रही है ए, ए के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ए दिस वन दे रखा है सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए इसका -4a -5a। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, क्या ये ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के आपके पास कितने मेथड थे, दो मेथड, एक इनवर्स मेथड, या जिसे हम नाम क्या देते हैं, मैट्रिक्स मेथड, और एक मेथड है जिसे हमने कल बताया, एलिमेंट्री रो। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा हमने, वो सेकंड मेथड कौन सा, एलिमेंट्री रो मेथड। तो एलिमेंट्री रो और मैट्रिक्स मेथड, ये दो मेथड थे ए इनवर्स निकालने के। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है कि हम किस मेथड से इसे सॉल्व करें, ऐसा कुछ भी इसमें डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में ना तो मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना होगा और ना ही एलिमेंट्री रो और ऑपरेशन मेथड सॉल्व करना। फिर ये कैसे सॉल्व होगा, ये जो सॉल्व होगा वो इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि क्वेश्चन को हमें कैसे रीड आउट करना है। रीड आउट करने का मतलब ए दे रखा है आपको, ए इनवर्स आपको निकालना है, लेकिन ना तो उसमें हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स मेथड और ना ही उसमें यूज़ करना है एलिमेंट्री रो और कॉलम मेथड, इनमें से कोई भी मेथड हमें यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए अपनी बुकलेट पे, कॉपी नोट कर लीजिए एक मिनट के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। Have you noted down? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. We will start. तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि हमें ये निकालना है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव ए इजिकल टू जीरो, हमें ये वेरीफाई करना है। तो ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, ए तो आपको वैल्यू पता ही है, आई किस ऑर्डर का होगा, 3x3 ऑर्डर का होगा, और ए स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बच्चों कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए, ए स्क्वायर मीन्स ए और ए, ए तो अर्थ होता है ए स्क्वायर का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 times इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये लिखा मैट्रिक्स में, और फिर हमने लिखा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो अब जैसा हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का पुराना रूल, सबसे पहले आप कॉलम को देखें और रो को देखें। क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि सेम ऑर्डर है। तो रो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 column और 3 row दे रखे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो गई। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिखा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, हम यहाँ लिखेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, हम यहाँ लिखेंगे 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई 1 में, दैट बिकम्स 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 में, दैट बिकम्स 4, 2 को मल्टीप्लाई 2 में, दैट बिकम्स 4,
फिर अगेन नीचे जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर वही 4, फिर वही 4। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था, मतलब हमने बेस प्रिपेयर कर लिया। बेस प्रिपेयर करने का मतलब कि हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अब आता है सेकंड कॉलम और सेकंड रो। तो 2 वन जा 2 दैट मीन्स 4, 2 वन जा 1 डैट मीन्स 2, और इसको हम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चों ये सब आपको पता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 2 और फिर 2 2 जा 4, और फिर ये आ जाएगा 2 2 एंड 4। ठीक है, अब थर्ड कॉलम और थर्ड रो, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर ठीक है, 2 1 जा 2, फिर सेकंड का इसी सेम रो में करेंगे, क्योंकि 2 ही है इसलिए वही लिखना होगा हमें, 4 4 2। लास्ट है 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो में, तो आएगा 2 2 और 1। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम इसे ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट आएगा 8, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8 एंड अगेन वी गेट 8, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 9। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया। तो कोई नई चीज़ हमने नहीं बताई, क्योंकि ये पहले भी था और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब बारी आती है अब हम इसके आगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सेकेंड देखिए, हाँ कि जो इक्वेशन हमें दी थी, इक्वेशन में देखिए क्या लिखा था। इक्वेशन लिखा था ए स्क्वायर 4a-5i=0। ये लिखा हमने, ए स्क्वायर तो निकाल लिया बच्चों, ये था हमारा ए स्क्वायर, और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4a। तो देखिए 4a को निकालने का तरीका क्या होगा, हमने आपको बता रखा, सबसे पहले तो आप 4 को लिखें, उसके बाद ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू आप जानते हैं 1 2 2, क्वेश्चन में दी थी 2 1 2 1 2 एंड लास्ट में 2 2 1। तो आप जानते हैं मैट्रिक्स में सिंगल नंबर का सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहला आ जाएगा ये 4, ये 8 8 8 4 8 एंड अगेन 8 8 4। तो इस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4 8 8, और आपका ये प्रोडक्ट आ गया। नाउ वी विल पुट ऑल वैल्यूज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9, ब्रैकेट मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 4a। तो ये आ जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4, और फिर इसे हम क्लोज कर देंगे -5 5 को यहाँ लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद आप जानते हैं क्या लिखा जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 9 -4 सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सेम ऑर्डर के इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, बीच में साइन माइनस का इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 8 8 0 8 8 0, फिर 8 8 0 9 4 5 8 8 0, 8 8 0 8 8 0 9 4 5। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, और अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और देखिए पूरी पिक्चर यहाँ क्लियर हो रही है कि देखिए सिंपल। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन में हमने वेरीफाई कर लिया कि जो ए स्क्वायर माइनस 4a-5i=0 जो था वो वेरीफाई हो गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि बहुत सिंपल से, अगर मान लीजिए यहाँ पर ए क्यूब लिखा होता, सपोज दैट यहाँ लिखा होता ए क्यूब माइनस 4a² माइनस 5a प्लस या इक्वल टू 0 लिखा, तो आप क्या करते, ए क्यूब निकालते। ए क्यूब कैसे निकालते बच्चों? ए क्यूब निकालते हम लिखते ऐसे, सबसे पहले तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर और ए, तो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालते। ए स्क्वायर को कैसे निकालते, ए डॉट ए निकालते, फिर उसकी वैल्यू यहाँ रख देते, उसमें ए का मल्टीप्लाई करते, तब निकलता आपका ए क्यूब। तो ए क्यूब के टर्म में क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो अगर ए क्यूब में आएगा तो भी प्रोसेस यही रहेगा, और अगर ए स्क्वायर में आएगा तो भी प्रोसेस यही रहेगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। ए इनवर्स के लिए हमने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले तो हमें वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एंड इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, और हमें निकालना है ए इनवर्स। अब जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो सभी क्वेश्चंस में सेम है, कॉमन है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपको 5i, i वाला जो टर्म होगा उसको अकेले लिखना है। तो अकेले कैसे लिखेंगे, 5i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a, लीजिए हो गया। अब आपको i इक्वल टू लिख लेना है, 5a इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये लिखा हमने ए स्क्वायर माइनस 4a। तो सबसे पहला आपका काम तो ये होगा कि i वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, किस चीज़ के लिए, जब आपको a इनवर्स निकालना हो उस सिचुएशन में। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, कि हमने i को लिखा, अब हम जानते हैं, अब हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। हम बोथ साइड ए इनवर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम बोथ साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या दिखेगा, ए इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, ए इनवर्स आई 1/5, ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे फिर 4 ए इनवर्स और ए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा बच्चों, ए इनवर्स आई का मतलब क्या हो जाता है, ए इनवर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया आई आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो सेम वही सेम मैट्रिक्स आती है। अब 1/5 हमने लिखा, और ए इनवर्स ए स्क्वायर को अगर हम देखेंगे तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए इनवर्स और ए ए, और इस पर हम ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स ए स्क्वायर का मतलब ए ए, मतलब ए स्क्वायर ए स्क्वायर। और फिर यहाँ पर ये तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा आई, क्योंकि ए इनवर्स ए हो या ए ए इनवर्स हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पर करेक्ट कर लें माइनस, यस। अब फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे, 1/5 ये बन गया आपका आई, ए इनवर्स ए मतलब आई, आई ए माइनस 4i। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो लिखेंगे 1/5 आई ए, आई का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर ए लिख देंगे और 4i। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से, क्या कि देखिए ए इनवर्स निकालना होगा तो आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही हमारी स्ट्रेटजी है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें ए स्क्वायर माइनस 4a इस तरह से लिखा और पूछा जाए इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालिए, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, उसको अकेला रखें, अकेले रखने का मतलब जितना भी मल्टीप्लीकेशन है वो सब राइट साइड में चला जाए, उसके बाद ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब जब हम यहाँ तक आ गए तो देखिए अब कहानी होती है कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, आई की वैल्यू तो हमें पता ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 1/5 को बाहर रखेंगे, अभी उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे,
और ए की जगह हम लिख देंगे, ए की जगह जो मैट्रिक्स है उसे हम पुटअप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बार इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, तो हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट पुट कर लेते हैं। ए के लिए ए की जो वैल्यू है वो सॉल्व करेंगे, तो ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है 1 2 2, 2 1 2 एंड 2 2 1, ये हमने लिखा ए। 4 4 i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और इस प्रकार से ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब सेकंड, 1/5 लिखा हमने, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपली सब्ट्रैक्शन, 1 - 4 गिव्स -3, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, और ये -3 आ गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो नया हो या जिससे आप फेमिलियर ना हो। आई टॉट यू एवरी थिंग इन लास्ट एंड प्रीवियस सेशन। तो अब देखिए 1/5 दिस वन कैलकुलेट हुआ, और यकीन जानिए यही आपका आंसर आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू जो वैल्यू निकली वो कितनी आई, 1/5 -3, 2 2 2 -3, 2 2 2 -3। तो आप चाहें तो इसे इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1/5 को सब में मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो बच्चों यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताएं? यस 57 बच्चे आज जुड़े हैं। इन सभी बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि देखिए इसका वीडियो फिर मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वो सॉरी यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहाँ आप इसको अगर कोई स्टेप मिस भी कर गया आपको तो आप वहाँ पे क्लियरफाई कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको। चलिए ओके ओके ओके, वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो उसे मैं यही नोट कर रहा हूँ, उससे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ क्वेश्चन, ये नोट कर लें सभी बच्चे, पहले मैं नोट कर लूँ उसके बाद आप नोट करें। इफ़ ए इक्वल टू 1 - 2 3 0 -1 4 -2 2 1, ये दे रखा है, देन वेरीफाई, देन आपको क्या करना है, वेरीफाई ए क्यूब ए स्क्वायर 3a - i3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए इनवर्स। मैं आपको अब ये तो वेरीफाई करने वाला है बच्चों, वेरीफाई करने का मतलब कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें हम पहले ए क्यूब निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, और 3a की तो वैल्यू दे रखी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और ये क्या आ जाएगा, 0। मतलब मैंने आपको बता रखा है 0 का मतलब नल मैट्रिक्स मीन्स 0 मैट्रिक्स, ये आपको। तो यहाँ से हम फाइंड ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा ये पहले इक्वेशन को वेरीफाई कर, अब बात आती है ए इनवर्स की। तो मैंने आपको पहले बताया कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ स्टेप आपको बता रहे हैं। आप i3 को होल्ड कर लें और सबको राइट हैंड साइड में भेज दें, ये देखिए हमने लिख दिया। फिर अब अच्छी बात ये है कि आपको ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, और 3 और सबको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, अच्छा तो वो i3 बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो इस स्टेप के बाद हमारा अगला स्टेप होता है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का बच्चों। तो जहाँ लिख देंगे ए इनवर्स ए क्यूब, फिर यहाँ आएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3a इनवर्स a, और यहाँ पर आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। यहाँ बच्चों कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे a, और इसको तो आप समझ ही गए हैं, 3i, i3 लिख दीजिए क्योंकि बुक में i3 लिखा है, तो फिर आपको i3 लिखना पड़ेगा। ये हो गया i3, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया i3a एंड 3i3। अगेन वी विल राइट i3 मतलब कुछ नहीं, ए स्क्वायर i3 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स i3 है। अब आप समझ गए कि ए इनवर्स निकालना होगा तो हमें कितनी की वैल्यू चाहिए होगी, इतनी वैल्यू अगर आप निकाल लें तो आपको ए इनवर्स आ जाएगा।
तो आई होप इसको आप सॉल्व करेंगे। हम अपने नेक्स्ट सेशन मतलब कल इस क्वेश्चंस के आंसर को पूछेंगे। इसका ए इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ए इनवर्स जो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा -9, -8, -5, -8, -7, -4, -2, -1। ये इसका आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार नोट कर लीजिए आप, एक मिनट के अंदर क्विकली।